साबरकांठा में लोकसभा चुनाव के लिए 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। गुजरात की इस लोकसभा सीट पर तीसरे चरण के तहत मतदाता वोट डालेंगे। साबरकांठा में भारतीय जनता पार्टी ने दीप सिंह राठौर को टिकट दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने राजेंद्र ठाकुर को प्रत्याशी बनाया है। वहीं बीएसपी ने विनोद भाई जेठा भाई को टिकट दिया है। 2014 के चुनाव में बीजेपी के दीप सिंह राठौर ने कांग्रेस के शंकर सिंह बाघेला को मात दी थी। आइए अब आपको बताते हैं इस सीट का इतिहास क्या है। 1951 में इस लोकसभा सीट पर हुए पहले चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। गुलजारी लाल नंदा को इस लोकसभा क्षेत्र से पहला सांसद बनने का गौरव मिला था। इसके बाद वो लगातार दो और चुनाव जीते। 1967 के चुनाव में कांग्रेस को पहली बार यहां हार मिली, जब स्वतंत्र पार्टी की लहर चली और सीसी देसाई ने परचम लहराया। इसके बाद 1971 में कांग्रेस के दूसरे धड़े यानी एनसीओ को यहां से जीत मिली। 1977 में भारतीय लोक दल की हवा चली, लेकिन 1980 में फिर कांग्रेस ने वापसी की। हालांकि 1984 में जनतंत्र पार्टी को यहां से जीत मिली। 1989 में जनता दल ने बाजी मारी। 1991 में पहली बार बीजेपी ने यहां से खाता खोला और अरविंद त्रिवेदी सांसद चुने गए। इसके बाद 1996 से लेकर 2004 तक कांग्रेस इस सीट से जीतती रही। यहां तक कि 2001 में हुए उपचुनाव में भी कांग्रेस को जीत मिली और वरिष्ठ नेता मधुसूदन मिस्त्री सांसद निर्वाचित हुए। हालांकि पिछले दो चुनाव यानी 2009 और 2014 में बीजेपी को जीत मिली।